शिमला में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद के बाद जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले टीवी पर अखबार में लूट खसौट की बात होती थी लूट की, भ्रष्टाचार की, घोटाले की, अफसरशाही की, भाई भतीजावाद की बात होती थी, अटकी लटकी भटकी योजनाओं की। आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना। 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, संकल्प कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा, जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छुटपुट रहने वाले एकाध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की, बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका, आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था, तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। जब सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का लक्ष्य हो तो कैसे काम होता है, इसका एक उदाहरण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अभी मैं जो कह रहा था डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।